हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। तो आज का जो रिव्यू होने वाला है वो तीन चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है, आपकी स्किन, आपके हेयर और आपके मेंस्ट्रुअल पेन से रिलेटेड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आप ये वीडियो पूरा देखें और इसे एंड तक देखें बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है मेंस्ट्रुअल पेन, जिसे हमें हर मंथ उसे फेस करना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन जब हमें ये पेन होता है तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम मेडिसिन लेते हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये आपको अभी तो रिलीफ देती हैं लेकिन लॉन्ग रन में ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। और इसके अलावा हम हॉट वाटर बैग यूज़ करते हैं या फिर हम नमक और लौंग का पानी उसको उबाल के पी लेते हैं। लेकिन ये तो तब है जब हम घर में रहते हैं। लेकिन जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हमें टाइम या दिन बता के नहीं आती है, ये कभी भी कहीं भी आ सकती है। वी आर इन द मिडल ऑफ एनीथिंग। तो इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ चाहिए जो हमें लॉन्ग रन में काम करे और एज वेल एज हमारे पेन में हमें काफ़ी हद तक रिलीफ दे। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आपको आपके मेंस्ट्रुअल पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। एंड आई सीरियसली यूज्ड इट और उसके यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो 100% आयुर्वेदिक है और वो प्रोडक्ट है बेला वीटा का पहली ड्रॉप आयुर्वेदिक नेवल ऑयल हेल्प मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ। तो सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 15 ml की बॉटल है और इसके अंदर हमें 15 ml क्वांटिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ मैंने इसे परचेज़ किया है अमेजोन से, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी साइट पर जाके भी इस ऑयल को परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो मुझे ये 300 के अराउंड में पड़ा था। आप ये प्राइस डिफ़र भी कर सकता है साइट टू साइट, तो मैंने इसे 300 में परचेज़ किया था। तो अब बात करते हैं कि ये हेल्प कैसे करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या 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 हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सिनेमल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, क्लोव ऑयल, इलांग लैंग ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, जिंजर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ससमे ऑयल। तो ये जो सारे ही ऑयल हैं ये सारे 100% आयुर्वेदिक ऑयल हैं, इसमें कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है जो केमिकल बेस्ड हो। तो अब देख लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। बिफोर गोइंग टू बेड पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ बेली ड्रॉप आयुर्वेदिक ऑयल ऑन योर नेवल एंड मसाज इट इन सर्कुलर क्लॉकवाइज मोशन इनसाइड आउट फॉर अ मिनट। वॉश योर बेली इन द मॉर्निंग, यूज डेली 2-4 times अ वीक। स्टार्ट यूजिंग 2-3 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ पीरियड एंड एवरी नाइट ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये तो हो गया डायरेक्शंस ऑफ यूज़ के बारे में। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए अगर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका पीरियड है और वो 25th को आता है सपोज, तो आपने इसे 20 से स्टार्ट कर देना है, यानी कि 3 से 4 दिन पहले आपने रोज़ सोते समय अपनी बेली पे 3 से 4 ड्रॉप इसके डालने हैं, उसको अच्छे से मसाज करना है एंड मेक श्योर कि दैट इट विल गेट अब्जॉर्ब। और उसके बाद में आपने इसे तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपकी साइकिल चल रही है। इसी तरह से आपको हर मंथ इसको रिपीट करना है, पीरियड आने से 4-5 दिन पहले से यूज़ कर देना है और उसके बाद में जब तक आपकी साइकिल है इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है। इसके साथ साथ इसमें जितने भी ऑयल्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, लेवेंडर ऑयल हुआ, क्लोव ऑयल हुआ, जिंजर, सारे नेचुरल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, सारे आयुर्वेदिक ऑयल हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस थिंग। और उससे बड़ी बात ये कि इसमें इसकी जो स्मेल है ना ये बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है कि ये आयुर्वेदिक है तो बहुत ही गंदी वाली स्मेल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिए बिकॉज मेरे लिए ये बहुत अच्छे से काम किया है एंड आई एम श्योर दैट आपके लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसकी जो लिंक है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसे डेफिनेटली परचेज़ कीजिए और डेफिनेटली ट्राई करके अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑयल के बारे में जो कि है स्किन और हेयर से रिलेटेड, वो भी है ये बेला वीटा का बेली ड्रॉप आयुर्वेदिक नेवल ऑयल ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर। और इसकी क्वांटिटी भी सेम है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम ऑयल, लेमन ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ससमे ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो भी पहले वाले ऑयल की तरह सेम ही है, बट अब आप बोलोगे कि वो वाला ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वाला ऑयल कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए मैं आपसे ये बोलूँगी कि वो वाला ऑयल आपने सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपका पीरियड साइकिल स्टार्ट होने वाली हो, दैट मीन्स 5 to 7 days के लिए। और ये ऑयल आपने रोज़ सोने से पहले यूज़ करना है। जब आप वो वाला ऑयल यूज़ कर रहे हो तब आप इस ऑयल को यूज़ मत कीजिए और जब आप ये वाला ऑयल यूज़ कर रहे हो तब उस वाले ऑयल को यूज़ मत कीजिए।
इसी के साथ साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि नीम ऑयल। नीम हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेमन पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, कैस्टर बालों की थिकनेस के लिए अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल। सेसमे मीन्स तिल का जो तेल होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे भी नेचुरल हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि केमिकल हो। तो इसको भी आपने यूज़ करना है और इट लिटरली वर्क्स फॉर मी ऑल्सो। आई कैन सी द चेंजेस इन माई स्किन एंड माई हेयर। मैं इसे पिछले एक मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और ये जो दोनों ऑयल हैं ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, एक पिंक कलर की पैकेजिंग है, एक डार्क ब्लू कलर की पैकेजिंग है। और ये मुझे रिसीव हुए थे इस तरह के पाउच में, और ये मतलब हर दोनों पाउच के अंदर एक एक ऑयल था। और इन दोनों की प्राइस 300-300 है, और मैं इन दोनों को ही मैंने अमेजोन से परचेस किया था। तो अगर आप चाहें तो इन्हें परचेस कर सकते हैं, और मैं ये बोलूँगी कि आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल है और ये लिटरली काम करता भी है। इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। एंड आपके अगर और कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। इसी के साथ साथ गुड नाइट, टेक केयर, बी हैप्पी।